हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर गैमेट के बारे में कि कलर गैमेट होता क्या है, DCI P3, sRGB, NTSC, Adobe RGB ये सब क्या होते हैं। इन सब टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आप किसी भी वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले में देखोगे, जैसे आपकी टीवी हो गई, पीसी का मॉनिटर, लैपटॉप की डिस्प्ले, आपका फोन या फिर टैबलेट, तो आपको सेम वीडियो के कलर हर डिस्प्ले में थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगे। एकदम ही अलग नहीं होंगे कि हरा नीला दिख रहा है, लाल पीला दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। कलर तो वही रहेंगे लेकिन उनके शेड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और ये होता है उस डिस्प्ले के कलर गैमेट की वजह से। कलर गैमेट मतलब नंबर ऑफ कलर्स डेटा डिस्प्ले कैन प्रोड्यूस। अब होते तो कितने कलर हैं दुनिया में, बट आपका डिस्प्ले सारे के सारे कलर दिखा दे ये पॉसिबल नहीं है। हर डिस्प्ले की कलर को प्रोड्यूस करने की एक लिमिट एंड रेंज होती है कि वो इतने ही कलर दिखा सकता है, उसे ही हम कलर गैमेट बोलते हैं। ज्यादातर डिस्प्ले आपकी लगभग 16.7 मिलियन कलर्स के आसपास प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट कुछ इससे ज्यादा भी करती हैं, जिससे वो डिस्प्लेज आपकी ज्यादा कलर एक्यूरेट मानी जाती हैं। अब कलर स्टैंडर्ड्स तो काफी सारे होते हैं, बट हम उनकी बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं एंड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला है आपका sRGB। ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला कलर गैमेट है। इस पैटर्न में आप देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल है वो है आपका sRGB कलर गैमेट, एंड जितने भी कलर्स उसके अंदर हैं वो सारे कलर्स आपकी sRGB डिस्प्ले प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा है आपका Adobe RGB। अब इसको आप sRGB का थोड़ा सा एनहांस वर्जन कह सकते हो। जैसे इस पैटर्न में आपको दिख रहा होगा, Adobe RGB में आपको sRGB से ज्यादा कलर्स मिलते हैं, मतलब कि जो Adobe RGB वाली डिस्प्ले है वो आपकी sRGB वाली डिस्प्ले से ज्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकती है, एंड ये डिस्प्लेज आपकी ज्यादा एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक कलर प्रोड्यूस करती हैं। एंड एक और आपका होता है NTSC। अब जो ये NTSC कलर गैमेट है, ये आपका टीवीज के लिए बना था, जिससे सारे न्यू टीवीज में एक ही कलर स्टैंडर्ड हो, पर अभी तक ये हुआ नहीं है। जैसे आप इस पैटर्न में देख सकते हो, NTSC एंड Adobe RGB में आपको लगभग सिमिलरी कलर्स मिलते हैं, बट रेड एंड ब्लू कलर्स को प्रोड्यूस करने के केस में इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोर्थ कलर गैमेट की बात करें जो है DCI-P3। अब जो DCI-P3 कलर गैमेट है, ये आपका sRGB से वाइडर है। जैसे आप इस ग्राफ में देख ही सकते हो, ये आपका सिनेमा के कलर रेंज को कवर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड जितने भी सिनेमैटिक लेवल पे डिजिटल प्रोजेक्टर्स हैं वो सब आपके DCI-P3 कंपैटिबल हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये आपका सिनेमैटिक कलर्स के लिए यूज किया जाता है। एंड इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट कलर गैमेट्स वाली डिस्प्लेस की वजह से हर डिस्प्ले आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि क्या होता है आपका कलर गैमेट, एंड जितने भी कॉमनली यूज्ड एंड पॉपुलर कलर गैमेट्स हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ ही में उस बेल आइकन को भी जोड़ दबाएं। एंड अगर आप अमेज़न से कुछ बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाके बाय करना। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।